बहुत हुआ, अब चलो चलते हैं। किस बात का इंतजार है? ये देखिए आपको कैसा लगा? बढ़िया। पर इसकी एंट्री तो बहुत ही छोटी है, क्या तुम्हें नहीं लगता? ए, सुना बाबू, क्या तुम इसका दरवाजा बड़ा कर सकते हो? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आपके दिमाग का जवाब है, इसलिए तो आप तो देखिए बात की, सूरज तो डलने ही वाला है। ये छेद तो काफी छोटा है। स्वादिष्ट है। अब अच्छा यहाँ से मुझे ध्यान से देखना है। ये क्या है? ओ लालू, मैं हूँ चकोट और ये है मेरी आलिशान रहने की जगह। वैसे तुम दोनों कौन हो? छुपा छुपा, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं खेलना। ऐ कुल्लू, कितना प्यारा पंछी है। नहीं हुआ, उल्लू मुझे उल्लू नहीं बना सकता मेरे राज्य में। महाराज रंचो, बढ़िया खबर है, एक और ट्री हाउस। क्या? एक और ट्री हाउस? अब की बार बहुत बढ़िया पेड़ है और बहुत बड़ा और आलीशान है, हम उसमें अपना महल बना सकते हैं। सच में? कहाँ? बताता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, बस उस तरफ। ठीक है बाबू, चलो चले। यहाँ तो कितनी सारी जगह है और मेरे पसंदीदा फल तो टूट पड़ा। अरे हाँ, ये तो कितना बढ़िया है। अरे बाप रे, ये केले तो चखिए। ठीक है, स्वादिष्ट। मानना पड़ेगा, ये मेरा सबसे शानदार महल है। मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है बाबू? महाराज, अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पर आज से तुम मेरे चौकीदार हो, तुम मेरी रक्षा करना। चौकीदार की नौकरी? मैं हफ्तों से बिस्तर पर नहीं सोया। यहाँ पे कम से कम मजेदार फल तो है। क्या ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारे घर के बाहर क्यों सो रहा है? ये क्या हो रहा है? अंदर एक और बंदर है। कौन हो तुम? ये क्या चाहिए तुम्हें? सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, कौन हो तुम? मैं राजा रंचू हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे महल में सवाल पूछने की? क्या इसने अभी इसे अपना महल का? ओए बंदर, ये घर तेरा नहीं है। हमारा घर है, चोर का एक है। बचा लीजिए। देखो तुमने क्या किया। अरे बाहर रहना। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। महाराज, गलती के लिए माफ करना। चिंता मत करो, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ माफी मांगने आए हैं। तुम माफी मांगोगे? ये सच है और ये रहा हमारा माफी नामा। अब लो, क्या हो गया? सेब। बाबू, टाइम हो गया और वो सेब का पेड़। सेब का पेड़? अब तक का सबसे बड़ा, वहाँ पहाड़ के पास। ऐसा है क्या? तब लो चलो।
पता चले। चलो हम क्या हवा का पीछा कर रहे थे भाई? इन दो बंदरों ने मिलकर हमें उल्लू बनाया। क्या हुआ? तुम्हें पता है अच्छे से क्या हुआ? हमें वहाँ पर कोई सेब का पेड़ नहीं मिला। क्या तुमने देखा वहाँ पर? बस हो गया, हमारा घर छोड़ो और दोबारा मत आना। हमें सेब कहाँ से मिले? तुम्हें तो वो दिखे भी नहीं। हम पहाड़ के ऊपर गए थे, उसके पार भी। बिल्कुल। वहाँ पर अखरोट के पेड़ और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा बंदर कहीं के। जरूर कोई गड़बड़ है, शायद तुम लोग झूठ बोल रहे हो, शायद तुम सब कुछ अपने पास रखना चाहते हो, यही बात है ना? तुम निकल जाओ यहाँ से। और तुम भी। बब्बू। महाराज, अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब? चलो अब जंग लड़नी है, यह मेरा राज्य है। ठीक है। महाराज, ये भारी है। मेरे बच्चों, मुझ पर भरोसा रखो, चलो उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। मुझे लगता है हम सुरक्षित हैं। जमीन इला बंद हो चुका है। मैं बस सोच रहा हूँ कि हमारा घर बस ठीक हो। ये तो बहुत डरावना था, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो सकता है? अरे वाह, हमारा घर ठीक है। मेरा सर दुख रहा है। ये बंदर, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? महाराज, वहाँ दो बंदर आ रहे हैं, वो किसी काम के नहीं। आप कहे तो उन्हें ठिकाने लगा दूँ। सबके सब मेरी बात सुनो। अब मैं ऐलान करता हूँ कि यह गुफा जंगल के महाराज रैंचो की है। घुसपैठिए को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बाबू तैयार? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं उसे एक नया सबक सिखाऊंगा। तब लो, उस पर हमला करो। अब हमें पलट कर बाहर करना ही होगा, नहीं तो वो हमारा प्यारा सा घर ले लेंगे। हाँ, मुझे पता है। इस तरह वो हमें नहीं पीट पाएंगे। ये भालू तो बाबू से भी बुद्धू है। चलो खुफिया हथियार निकालो। ठीक है। खुशी मत मनाओ। ये क्या हुआ? अब हमारी बारी है, हम तुम्हारा कचूमर बना देंगे। जगह चाहिए रहने के लिए आजादी से। सच में मैं सपना तो नहीं देख रहा ना, तो तुम्हारे मतलब ये महल तुमने हमारे लिए बनाया है? सही कहा डब्ल्यू, और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। और अच्छी बात ये है कि तुम और तुम्हारा दोस्त हमसे दूर रहोगे। बिल्कुल, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, अब हम घर चलते हैं। फिर मिलते हैं। डब्लू, संभाल के। हाँ, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा और अकेला ही सारा शायद खा जाऊंगा। आ, आ, आ,
नानी चिड़िया उड़ जा। नानी चिड़िया उसे नीचे रखो, रखो नीचे, रखो मैंने कहा ना, नीचे रखो। डब्लू मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैच करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। डब्लू देखो देखो भैया, मैं उड़ सकता हूँ, मैं हवा में हूँ, वाह वाह भैया, मैं उड़ सकता हूँ भैया, ताजा ताजा सेब, इस शाख पर है, मजा आ गया, वाह। चैट बेटा बेटा, ये तो वही चिड़िया है। हेलो, पकड़ लिया। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। डब्लू उठो, डब्लू डब्लू उठो, डब्लू उठ जाओ, डब्लू डब्लू उठ जाओ, डब्लू डब्लू भैया, तुम ठीक तो हो ना? डब्लू उठ के बैठो, तुम पेड़ से गिर गए थे। भैया मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तुम ऊपर से नीचे गिर गए थे, सीधे जमीन पर। जमीन पर? सच में? तो क्या मैं उड़ नहीं रहा था? लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा चोट लग गई है, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। नहीं, मैं वाकई उड़ रहा था, मैं तुम्हें अभी उड़ के दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो, मैं उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, हवा में हूँ। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं हुआ। डब्लू तुम सपना देख रहे थे? मैं सपना देख रहा था। हम भालू उड़ नहीं सकते, क्या तुम भूल गए थे? अगर मैं उड़ सकता तो कभी खाने पीने की कमी नहीं होती, मैं पेड़ पे चढ़ के सारे फल खा जाता, बहुत मजा आता था भैया। तुम पागल वाली बातें करते हो। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं वाकई में उड़ना चाहता हूँ। सच्चे पागल कहेंगे? सुनो तो, अगर तुमने मुझे उड़ना सिखाया, मैं तुमको अपनी शहद की आखिरी शीशी दे दूंगा। क्या सच में? ठीक है, लगता है तुम मानोगे नहीं। हम कोशिश तो कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि तुम शहद की शीशी पहले दोगे, ताकि मैं उसका स्वाद ले सकूं, समझे? तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें चिड़िया के जैसे मजबूत पर चाहिए, ठीक है? भैया तुम्हें लगता है कि इनसे बात मानेगी? मानो या ना मानो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। चलो छोटे, उड़ना शुरू करो। ठीक है, थोड़ी और ताकत लगाओ। अब कूद कूद कर अपने पंख चलाओ। शाबाश छोटे, शाबाश। क्या यार, ठीक है भैया? हाँ, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, शाबाश छोटे, ऐसे ही करते रहो, तुम अच्छा कर रहे हो। हाँ भैया, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ भैया, बाय बाय। नहीं अभी नहीं, तुम्हें सबर करना होगा। बाय बाय। अरे अरे छोटे रुको, छोटे रुको, अभी नहीं, छोटे छोटे छोटे, अरे नहीं, छोटे छोटे, ये क्या हो गया? छोटे छोटे छोटे, मैं उड़ नहीं पाया। पकड़ने के लिए तैयार हूँ, अब मैं उन्हें पकड़ के ही मानूंगा। मैं तुम दोनों को पकड़ के ही दम लूंगा, क्या कमाल की शुरुआत है। क्या शुरुआत है ये। पकड़े रखो डब्लू, ये पक्का काम करेगा, मुझ पे भरोसा रखो। ठीक है भैया, मैं एक उड़ने वाला भालू, उड़ने वाला सुपर भालू। बेवकूफ, हिलना बंद करो।
तो ठीक है, तैयार हो जाओ। 1, 2, 3 डब्लू। मैं कहाँ हूँ? कहीं है लखा का घर तो नहीं? ये क्या है? बहुत बढ़िया है, देखने में तो एक चिड़िया की तरह है, वो भी बड़ी वाली। डब्लू मेरा भाई, डब्लू यहाँ पर बहुत खतरा है, ये लखा का घर है यार, उसे आने से पहले भाग लेते हैं। भैया एक मिनट रोको, एक बार यहाँ पर तो नजर डालो। क्या मैं जानता हूँ इंसान इसे उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओह हाँ, समझ आ गया। क्या तुम अभी भी उड़ना चाहते हो? हाँ बिल्कुल भैया। मेरे ख्याल से इस मशीन को ग्लाइडर कहते हैं, इसकी मदद से तुम उड़ सकते हो। साचे तो चलो हम इसे बनाते हैं भैया। हम ये कर सकते हैं, पर इसे कैसे बनाएंगे? समझ गया, चलो चल के बनाते हैं। ये तो बहुत आसान है। अरे वाह, डब्लू तो उड़ने के लिए तैयार हो? हाँ भैया। ये संभाल के मेरे भाई। ये तो काम कर गया। अरे डब्लू तुम कहाँ जा रहे हो? मजा आ गया, मैं उड़ रहा हूँ आसमान में। सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे सुपर भालू जैसा लग रहा है। वाह वाह, मुझे सुपर भालू जैसा लग रहा है। हेलो प्यारे चिड़िया लोग। अरे यार ये मेरा निशाना कैसे चूक गया? ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या है? तो तुम हो, तुमने उड़ना कब सीखा? अभी बताता हूँ तुम्हें, ये लो ये लो। ये क्या कर रहा है? अरे अरे ये क्या हो रहा है? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कोई बचाओ बचाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब देखना मेरा निशाना, ये देखो अंग्रेजों की गोली। अब तू गया, इसे गोली मारने से पहले गोली क्यों खत्म हो जाती है? मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ए, मेरी टोपी, मेरा टकला दिख रहा है, मुझे नीचे उतार दे। मुझे बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम नीचे जाना चाहते हो? घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी जगह लेके जाऊंगा। मुझे कहाँ ले जा रहा है मोटे? बहुत जल्द जान जाओगे, मैं तुम्हें एक मस्त जगह पर लेकर जा रहा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। ये बहुत डरावना था, वो फिर भाग गया। अगली बार उसे नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेजों के जमाने के जेलर का क्या हाल हो गया? अरे आज का दिन तो कितना अच्छा है। ओह
ये तो कितनी अजीब दिखने वाली चिड़िया है। तुम कौन हो? अरे मैं तो डब्लू हूँ। और तुम? क्या तुम स्वर्ग से आए हो? मेरा नाम चिरकुट है और मेरा घर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करना था। कुछ जरूरी? ये मुझे क्या हो रहा है? अरे तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम छोटी सी चिड़िया, तुम तो घबरा गए। चलो तुम्हें घर लेके जाते हैं। घर जाएंगे? यही तो मुझे याद नहीं आ रहा था, इसी तो मैं भूल गया था। मेरा घर कहाँ है? कोशिश करके देखो। इधर की तरफ। नहीं, इधर की तरफ। तुम जानते हो तुम कहाँ जा रहे हो? इधर की तरफ होना चाहिए। तुम गलत जगह जा रहे हो, मेरे लिए रुको, मैं भी आता हूँ। चिरकुट, पक्का ये सही रास्ता है ना? पता नहीं, चल के देखते हैं। अरे डुगो, और डब्लू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चिरकुट का घर ढूंढ रहा हूँ। हेलो डुगो, हेलो डुगो, हेलो डुगो भाई, हेलो डुगो, तुम्हें मालूम है मेरा घर कहाँ है? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम कहाँ पे रहते हो? मैं तो सालों से यहीं पे रहता हूँ और ये सबसे अच्छा है। बाहर निकलो चिरकुट, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम जमीन के नीचे नहीं रह सकते, तुम एक चिड़िया, याद रखना। वैसे भी चिड़िया पेड़ पे रहती है, क्या तुम्हें अपना पेड़ याद है? मेरा सर, अरे मुझे याद है, मुझे मेरी ज़बान पर। हट जाओ हमारी नज़र। अरे आका भाई और बहनों, महाराज रेंज जो पधार रहे हैं। ये कौन सा चमत्कार है? रंचो, छोड़ दो उसे, क्यों परेशान कर रहे हो? क्या कहा? तुम बताओ एक राजा को क्या करना चाहिए? हाँ सही कहा। मैं कौन हूँ? कहा हूँ मैं? बस बेकार हो अभी। छोड़ दो मुझे। मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम दिन रात लकड़ियों में छेद करने वाली चिड़िया हो। लकड़ी में छेद करने वाली चिड़िया? तुम सही समझे। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुको। अब हमें निकलना चाहिए, अलविदा। तेरी तो बंदर कहीं के। लकड़ी तोड़ने वाले चिड़िया नहीं हो? मैं लकड़ी में छेद करने वाले चिड़िया हूँ। रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं हूँ लकड़ी में छेद करने वाली चिड़िया। तुम मुझे पागल कर जाओगे। डब्लू जल्दी चलो, मुझे लगता है मेरा घर इस पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है। हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं, तुम्हें नहीं लगता? अब घूम रहा है। ये क्या है? ये तो बहुत अलग है। ये तो बहुत अजीब है, मुझे नहीं लगता ये मेरा घर है। अब मुझे याद आया, हम लोग तो गलत पहाड़ पे चढ़ गए हैं। नहीं, मैं कोई दूसरे पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। नहीं।
कितना अच्छा दोस्त है। वो मुझे मेरे घर ले जाने के लिए कितना उतावला हो रहा है। हाँ, मुझे उसको थैंक यू कहना चाहिए। मेरी तो वाट लग गई। डब्लू, क्या तुम डर गए? ये तुम क्या बक रहे हो? मैं तो अरे अरे, ये तो बहुत गहरी खाई है। डब्लू, बच्चों की तरह मत डरो, आ जाओ, ये बहुत मजबूत है। अच्छा ठीक है। अरे अरे, ये तो आसान है। चलो चलो, दम लगा के हाय सा। रा 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 रा। हे डब्लू, जल्दी आओ, तुम कितने आलसी हो। हे, तुम एक ही जगह पे क्यों खड़े हो गए? चलो। हे, ये तो बहुत गहरी खाई है। हाँ चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे, ये तो बहुत डरावना है। हे डब्लू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें यहाँ पे लटकने में मजा आ रहा है क्या? अरे, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। नहीं डब्लू, ये रस्सी बहुत मजबूत है। ये देखो, ये देखो। बहुत डरावना था। अरे पकड़ो, अरे अरे, बहुत तेज बारिश हो रही है यार। चलो डब्लू, उस पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो, बैठ जाएंगे। ये जगह अच्छी है। यहाँ अंदर क्या है? हाँ, तो तुम्हें कैसी लगी ये जगह? ये जगह तो बहुत सुंदर है। हाँ, मेरे लिए ठीक है डब्लू। हाँ, देखो मैं यहाँ पे झूला भी झूल सकता हूँ। हाँ, मुझे भूख लगी है। मैं अपने दोस्त को कैसे भूल गया? ये लो खाओ, मजे करो। ये बहुत अजीब है। तुमने इतने जल्दी खाना कैसे ढूंढ लिया? हाँ सही कहा, लेकिन मुझे कैसे मालूम चला? हाँ, क्योंकि ये मेरा ही घर है। हाँ, मैं अपने घर पे आ गया, घर पे आ गया, घर पे आ गया। अच्छा, आखिरकार हमने घर ढूंढ लिया। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। आखिर अब मुझे भी अपने घर जाने मिलेगा। ला 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 ला, आज कुछ गलत नहीं हो सकता। अरे अरे, अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि जैसे, हेलो भालू भाई साहब, आपको मालूम है मेरा घर कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, चलो यहाँ से, नहीं बोलो ना।